नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। समय है एक्सरसाइज का, योगा का। आज सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने सुना होगा कई लोगों से सुनते हुए कि सुबह सुबह नंगे पैर घास में चलने के अनेकों फ़ायदे बताए गए या मिट्टी में या रेत में चलने के। तो ऐसा माना जाता है कि सुबह अगर करीब आप 10 मिनट 15 मिनट भी वॉक करते हैं, स्पेशली घास पे नंगे पैर या फिर मिट्टी में रेत में, तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। अच्छा, फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है, आपने सुना होगा शरीर के जितने भी अंग हैं उसके जितने भी एक्टिव प्रेशर पॉइंट होते हैं वो आपके पैर के ये तलवों में होते हैं, यहाँ तलवों में। तो जब आप नंगे पैर घास में या कहीं पर भी चलते हैं तो ये सारे जो प्रेशर पॉइंट हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जब ये प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होते हैं तो शरीर के सारे अंग बराबर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जब ये अंग काम करना शुरू कर देते हैं हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा बढ़ती है, तो उससे फ़ायदा होता है हमारे शरीर में बीमारियों से भी दूर रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है, एक्टिवेट रहता है। तो हमेशा कोशिश करिए, सुबह एक रूटीन बनाइए डेली कि मुझे 10 से 15 मिनट को कम से कम घास पे चलना ही है। अगर घास नहीं है आप मिट्टी में चल सकते हैं, बट नंगे पैर चलना है, रेत है उसमें चल सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 मिनट ये रूटीन बनाइए कि डेली मुझे चलना ही है। देखिए, इस गार्डन में बहुत बड़ी बड़ी घास है, अभी थोड़ा सा पोस्ट की बूंदें भी दिख रही हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको कम से कम 10 से 15 मिनट चलना होगा। इससे आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़ती है। अच्छा दोस्तों, एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपके तलवों से ज़मीन कनेक्ट होती है, जनरली जैसे हम दिन भर जूता या चप्पल स्लीपर ये सब वेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, शरीर से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता है आपका तलवा, यानी कि ज़मीन से। जब वो कनेक्ट नहीं हो पाता है तो प्रॉपर उसको शरीर को जो ऊर्जा नहीं मिलती है जो उसे ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि नंगे पैर इंसान को चलना चाहिए। नंगे पैर चलने के बहुत फ़ायदे होते हैं, खासकर ये घास पे। उससे शरीर के जितने भी एक्टिव प्रेशर पॉइंट हैं वो सब एक्टिव होते हैं। ये एक्टिविटी अगर आप डेली करते हैं तो आप निश्चिंत मानिए कि ये तय है आपका शरीर बीमारियों से दूर रहेगा। उसके अलावा इसमें और फ़ायदे क्या हैं, सबसे एक चीज़ और फ़ायदा है, जैसे आप जब चलते हैं, जैसे योगा में होता है कि योगा आप शांत मन से जब 15 मिनट 20 मिनट करते हैं तो उसमें आपका जो मन है वो एकदम शांत हो जाता है, एकदम ध्यान आपका सिर्फ यही रहता है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। उसी तरह इसमें भी फायदा है, जब आप पैदल नंगे पैर चलते हैं घास में तो आपका जो दिमाग है वो एकदम शांत हो जाता है, एकदम टेंशन मुक्त हो जाता है और एकदम कूल रहता है, सारी परेशानियाँ दूर। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। शारीरिक के अलावा मानसिक तौर पर भी इंसान को स्वस्थ बनाता है ये प्रक्रिया, यानी नंगे पैर घास पे चलना, मिट्टी में चलना, रेत में चलना। तो ये तो फ़ायदा हो गया नंगे पैर घास में चलने का। उसके अलावा जैसे सुबह सुबह, जैसे मैंने कल भी बताया था, आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, तो कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो आपको करनी चाहिए योगा के अलावा भी डेली रूटीन पे, जिससे आपका फैट कम होता है, आपके शरीर में ऊर्जा रहती है, एक्टिव रहते हो आप। तो बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज भी हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी घास है, तो इधर यहाँ पर छोटी सी घास है, यहाँ पर आ जाते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल रहेगा देखने में भी। सबसे पहले डेली की जो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका शरीर का निचला हिस्सा हिलना नहीं चाहिए, यानी कि पैर कमर सिर्फ ऊपर के तौर पे ही आपको प्रेशर लेना है। अलावा एक एक्सरसाइज भी है,
अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि जब आप नीचे जाते हैं तो ये जो घुटने हैं ये मुड़ने नहीं चाहिए, यदि ये मुड़ गए तो एक्सरसाइज किसी काम की नहीं। और भी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको डेली रूटीन पे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बैलेंस का काम है, बैलेंस बना के रखना है, अदरवाइज आप पीछे भी गिर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली ये थाई के बैक साइड के लिए रहती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा नीचे नहीं जाना है और एक बैलेंस बना के ही नीचे जाना है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट जितनी भी पॉसिबल है वो मैं बता सकता हूँ जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। एक एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज प्लस योगा भी कही जा सकती है, ये मैंने कहीं देखा था। इसमें आपको दोनों हाथ ऐसे ऊपर लाना है और ये हाथ को एकदम ढीला रखना है, एकदम टाइट नहीं करना है, एकदम ढीला रखना है। हल्का हल्का, और फिर जैसे लगे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये भी डेली रूटीन पे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए अब थोड़ा सा योगा भी कर लेते हैं। तो आपने कपालभाति के बारे में भी सुना होगा। आपको एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ जो मैंने भी बहुत कुछ दिन पहले ही जानी है। कपालभाति आपके जो फैट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही समझ लीजिए रामबाण है वो, और वास्तव में ये बहुत फ़ायदा करता है। कपालभाति जब आप करते हैं पेट के जितने भी सेल्स हैं वो सब एक्टिवेट होते हैं, वर्क करते हैं, उससे फैट जो है जो बढ़ा हुआ फैट है वो बहुत कम होता है। कपालभाति डेली करना चाहिए। दोस्तों एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, तो और भी बहुत सारी वीडियो मैं डेली बेसिस पे बनाऊंगा जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ लोगों से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे साथ बने रहें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस योगा के मैं आपको वीडियो शेयर करता रहूं जो आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में अगर ऐड करेंगे तो सभी के लिए फ़ायदा होगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।